हेलो एवरीवन, वेलकम टू YDR फाउंडेशन फ्री डिजिटल एजुकेशन। एक्सेल शीट में आज हम पढ़ेंगे कैसे बहुत सारे नंबरों को एक ही फार्मूले के साथ हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें, जैसे कि सपोज कीजिए कि नंबर 2, 3, 5, 6, 7 और 9 नंबर, इसको हर रैंडम ऐड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा 0, और उसके बाद हमें सम कमांड देना होगा सम, और उसके बाद सम कमांड देने के बाद हमें ब्रैकेट में सिलेक्ट करना होगा यहाँ से लेके, और इसको हम ड्रैग करते हुए नीचे तक। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम ड्रैग करते हुए नीचे तक लाएंगे, जिससे E47 तक। उसके बाद हम इस कॉलम को बंद कर देंगे, और यहाँ तक सेलेक्ट होने के बाद E42 से E43 हो जाएगा, लेकिन इस तरह से जो कि करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से E41 से लेके और E47 तक जितने भी नंबर होंगे वो सम हो जाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट एक ही सिलेक्ट सिलेक्ट किए हुए जो चीज़ें हो जाएंगे। तो इस तरह से इंटर करने पर, जैसे कि हमें यहाँ पे सम लगाना है, और उसके बाद सम लिखने के बाद हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक सेलेक्ट करते हुए आना है। जैसे दूसरे हम मेथड से समझते हैं, पर जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे इन नंबरों को हमें सम करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं और नए सिरे से लिखते हैं। जैसे कि इक्वल करेंगे, उसके बाद हम सम फार्मूला लगाएंगे सम, उसके बाद हम ब्रैकेट लिखेंगे, और ब्रैकेट में हम यहाँ से लेके और उसके बाद हम फिर यहाँ तक आ जाएंगे 46 तक, और उसके बाद ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, और उसके बाद इंटर करने के बाद जितने भी नंबर होंगे उनका सम आ जाएगा। तो सम जो कि ऐसे डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करने पर डायरेक्ट, जो कि फार्मूला यहाँ भी दिख रहा है, सम इक्वल टू E41 से E46 तक जितने भी नंबर हैं उनका सम हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं। इस तरह से 28 जो सम था वो हम देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।